नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस। तो हम बात करेंगे राहु के गोचर की, और राहु का जो 23 सितंबर से राशि परिवर्तन हो रहा है, राहु मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु का ये वृषभ राशि में गोचर वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन को किस प्रकार के परिणाम देगा? तो पिछला जो आपका गोचर रहा है वो आपके अष्टम भाव में अभी चल रहा है गोचर राहु का, और राहु यहाँ उचके हैं, तो कुछ आपको प्रॉब्लम्स राहु ने यहाँ पे दी होंगी, जैसा कि आपके इन लॉज के साथ आपके संबंध खराब करना, कहीं सर्पदंश या चोट दुर्घटना या कहीं ऊंचाई से गिर जाना, ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ पिछले 18 महीनों में हुई होंगी। अभी भी वैसे कुछ समय और बाकी है राहु का। तो यहाँ पर राहु अगर आपका वृश्चिक राशि है या लगन है तो सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं 23 सितंबर को, और केतु केतु आपके लगन में आ जाएंगे सेकंड भाव को छोड़कर। तो धन को लेकर जो असंतोष था वो अब आपका दूर हो जाएगा, और अब आप अपने ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर राहु केतु का ये सफर है, ये राहु केतु का 18 महीने का सफर है, और वो इस सफर में अब आपके सप्तम भाव से होकर गुजरेंगे। यहाँ पर देखिए, राहु और केतु हैं ये दोनों ही 12 अप्रैल 2022 तक राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो ये इनका सफर है, और इस सफर में ये आपको बहुत कुछ अच्छा या बहुत कुछ बुरा देकर जाएंगे। अब सबसे पहले आपको आपके राहु और केतु की प्लेसमेंट पता होगी। अगर आपका राहु बर्थ चार्ट में बैठा है, अगर शनि की राशियों में या फिर वो शुक्र की राशियों में बैठा है या बुध की राशियों में है तो बहुत अच्छा है। अगर आपका राहु तीसरे भाव में, छठे भाव में, दसवें में और 11वें भाव में अगर है, यानी थर्ड, सिक्स, टेंथ और 11वें भाव में अगर बैठा है लाभ भाव में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अदरवाइज अगर आपका सप्तम में है, फोर्थ में है, या फिर अष्टम में बैठा है, या फिर 12वें में बैठा है, तो ये उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहेगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सप्तम भाव की, क्योंकि 23 सितंबर को राहु सप्तम भाव में प्रवेश कर रहे हैं और केतु आपके लगन में प्रवेश करेंगे। तो राहु सप्तम में आने से एक तो इस समय आपको जो पार्टनरशिप रहेगी बिजनेस को लेके या इवन मैरिज लाइफ को लेके, जो पार्टनरशिप रहेगी वहां पर आपको अवेयर रहना है, आपके साथ चीटिंग ना हो, आप किसी के साथ चीटिंग ना करें, आप अपने बिजनेस में कोई भी शॉर्टकट अपनाकर पैसा कमाने की कोशिश ना करें। ये राहु यहाँ से आपको सेल्फ डिपेंड बनाने आया है, ये 18 महीने के टाइम में ये आपको सेल्फ डिपेंड बनाएगा। कुछ ऐसा आपको यहाँ पर राहु देकर जाएगा 18 महीने में, जिससे आप किसी दूसरे पर निर्भर ना रहेंगे, आप खुद का कोई काम करके, खुद का कोई बिजनेस करके उससे आप अपनी अर्निंग करेंगे। तो यहाँ पर राहु केतु का ये गोचर बहुत ही खास रहने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, कोई भी इन 18 महीनों के दौरान कोई भी नई पार्टनरशिप करते समय सावधानी रखें, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले या किसी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले बहुत सोच समझकर डिसीजन लें, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। आप कोई ऐसा बिजनेस करें जहां पर किसी के साथ आपको पार्टनरशिप ना करनी पड़े या कोई बहुत ज्यादा कठोर टर्म्स ना हो, तभी आपका बिजनेस चल सकता है। पार्टनरशिप को लेके यहाँ पर राहु इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन आपको पर्सनली कुछ काम करना है किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर राहु है। देखिए, आप अगर यहाँ पर राहु है तो आप कुछ बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपका शुक्र स्ट्रांग है या शुक्र आपका सप्तम में ही बैठा है तो कोई बिजनेस कर सकते हैं, शुक्र से जुड़ा हुआ आप कुछ काम कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, या फिर आप शॉप चला सकते हैं, या तो आप मिल्क वगैरह का कुछ शॉप, या फिर एक तरह से जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई शॉप्स हैं, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, जहाँ पर कॉस्मेटिक्स वाली जो चीज़ें आप बेचते हैं दुकान लगाकर, वैसा काम आप कर सकते हैं अगर आपका शुक्र भी स्ट्रोंग है, सप्तम में है। तो आपका खुद का होना चाहिए, यानी कुछ भी काम आप करें बिजनेस में
वो आपका खुद का होगा तो आपको लाभ ज्यादा होगा, वरना आपको प्रॉब्लम ये जरूर करेगा। अब ये एक तरह से अगर आपने पहले से पार्टनरशिप कर रखी है तो उसमें ये आपको एकदम से क्लियर कर देगा, यानी अगला जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ चीटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, या आप उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ये सारा आप अब एक दूसरे के सामने आ जाएगा कि कौन कितना सही और कितना गलत है। तो इसको लेके आपको अवेयर रहना है। साथ में बहुत बड़ी मात्रा में कहीं पर भी निवेश ना करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जहां पर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना हो, तो उससे आप थोड़ा सा बचें। अब यहाँ पर आप शुक्र से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, शुक्र से जुड़े हुए बहुत काम हैं, जैसे होटल वगैरह है, तो वो आप खुद चला सकते हैं। ऐसा काम ढूंढिए जिसमें आप किसी को पार्टनरशिप में ना लेके आए, खुद ही काम करें, भले ही आपको काम करने के लिए कुछ लोगों को रखना पड़े और उनको सैलरी देनी पड़े, तब ये राहु अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब यहाँ सप्तम भाव में हम देखते हैं मैरिज को, तो जो जातक ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए ये 18 महीने थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम रहेगा मैरिज को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, और कहीं ना कहीं पार्टनरशिप जो आपकी मैरिज पार्टनरशिप है उसमें दोनों के बीच, हस्बैंड वाइफ के बीच आपको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, थोड़ा सा झगड़ा होने की संभावना बनेगी। इवन यहाँ पर अगर आपका राहु खराब है या फिर सप्तम भाव बहुत ज्यादा पीड़ित है या शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित है या पाप ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो कई बार डिवोर्स जैसी कंडीशन भी यहाँ पर बन जाती है। अगर ऑलरेडी राहु सप्तम में ही है तब और भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है मैरिज लाइफ को लेके। तो मैरिज लाइफ को लेके यहाँ पर परिणाम मैं अच्छे नहीं कहूंगा, बाकी बिजनेस में पार्टनरशिप से बचें, बाकी कुछ भी आप कर लें अकेले। लेकिन ये समय आप नोट करके रखिए, आप कुछ ऐसा करेंगे 18 महीनों के दौरान जिसमें आप आत्मनिर्भर जरूर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर राहु जब सप्तम में आएंगे तो राहु देखेंगे आपके सबसे पहले 11th हाउस को, तो ये आपको लाभ करवाएंगे, कोई नए दोस्त बनाएंगे आपके, और उन दोस्तों से आपको फाइनेंशियल फायदा होगा, आपको बिजनेस में फायदा होगा, बिजनेस में सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। इवन आपको यहाँ पर ये फीमेल से दोस्ती करवाएगा, यानी उनसे आपको ये लाभ करवाएगा और बहुत अच्छा सपोर्ट आपको दिलवाएगा। लेकिन चीटिंग ना हो आपके साथ, इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। साथ ही यहाँ पर आप जब कोई भी बिजनेस या कोई काम करेंगे इन 18 महीनों के दौरान, तो आप हमेशा अपना लाभ पहले सोचेंगे, सेल्फिश पूरी तरह से आप रहेंगे। थोड़ा सा बड़े भाई से भी आपको सहयोग मिल सकता है बिजनेस में। इसके अलावा जो भी नए आपके कांटेक्ट बनेंगे उनसे आप विशेषकर तभी कांटेक्ट बनाएंगे जब आपको उनसे कोई फायदा हो रहा हो, वरना आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। पर ये जो गोचर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है मैरिज लाइफ के अलावा। अब राहु यहाँ से देखेंगे आपके प्रथम भाव को, लगन को, तो लगन को जब राहु देखेगा, तो अगर आपका राहु बहुत अच्छा है कुंडली में तो ये आपको आपके काम पर, आपके बिजनेस पर फोकस करवाएगा। और वैसे भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ पर देखिए राहु की दशा में आप जॉब से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि राहु किसी रूल को फॉलो नहीं करता। आप जब बिजनेस करते हैं तो खुद का बिजनेस करते हैं और उसमें आप कुछ भी रूल फॉलो नहीं करते, आप अपने अनुसार काम करते हैं, किसी दूसरे की सुनते नहीं है, कोई दूसरा कहने वाला आपको होता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन भी बन जाती है अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब में, तो वहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा आपको किसी की कही गई बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा है। अब लगन को जब राहु देखेगा तो ये आपको थोड़ा सा मैटरलिस्टिक डिजायर देगा, क्योंकि शुक्र की राशि में है तो मैटरलिस्टिक डिजायर आपको देनी है इसको। ये आपको ऐसे सपने दिखाएगा जो वास्तव में कभी सच नहीं हो सकते, और ये आपको लग्जरी की तरफ अट्रैक्ट करेगा, भूमि भवन वाहन की तरफ अट्रैक्ट करेगा, साथ में आपको लग्जरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए, सारा ऐशो आराम आपके पास होना चाहिए, ये सब सपने आपको ये दिखाएगा। तो
यहाँ पर राहु के भ्रम में आकर आप अपना कोई नुकसान ना करें, अपनी सेहत का नुकसान ना करें, अपने पैसों का नुकसान ना होने दें, बाकी सब अच्छा होगा। उसके बाद राहु देखेगा आपके थर्ड हाउस को, तो थर्ड हाउस को जब राहु देखेगा तो थर्ड हाउस में राहु काफ़ी अच्छा माना जाता है और ये आपको कुछ कम्युनिकेशन में वृद्धि करेगा। आप अगर किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे आपको लोगों को कम्युनिकेट करना या फिर आपको जो मार्केटिंग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कह लीजिए या आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसमें आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं बिजनेस के माध्यम से, तो उसमें ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। साथ में ये आपको बहुत ज़्यादा साहसी बनाएगा, जिससे आप कोई भी ऐसा कार्य जो असंभव लगता हो वो आप कर सकेंगे, असंभव को संभव कर सकेंगे, आप ऐसा काम आप करेंगे। तो साथ ही यहाँ पर राहु का जो ये ट्रांजिट है वो तीसरे भाव को जब देखेगा तो हो सकता है छोटे भाई बहनों से थोड़ा बहुत आपको संबंध खराब कर दे, लेकिन वैसे बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके मकर राशि यानी शनि के घर को देख रहा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा शुक्र के घर में बैठकर। तो ये आपको कुछ लग्जरी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट जब करेगा तो आपको ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, ऐसो आराम में आपको इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये अच्छा है आपके लिए। अब थर्ड हाउस को जब ये देखेगा तो थर्ड हाउस में अगर आप पत्रकारिता के फील्ड में हैं तो बहुत अच्छा है, कहीं आप एंकरिंग का काम कर रहे हैं, कहीं आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। साथ में यहाँ पर थोड़े से आपके संबंध खराब रह सकते हैं आपके पड़ोसियों से, तो इस मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, बाकी ये आपको बहुत आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग देगा, बहुत अच्छी एनर्जी देगा, बोलने की क्षमता काफ़ी अच्छी देगा, ये सब आपको देगा। अब देखिए राहु के बारे में हमने चर्चा कर ली है, अब बात करते हैं केतु की। केतु लगन में है और केतु जब भी लगन में होता है तो देखिए केतु रिप्रेजेंट करता है ध्वज को, मंदिर की जो ध्वजा है उसको, और केतु कुत्ते को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु जो है वो एक तरह से आपको बहुत ज़्यादा रिलीजियस बना देगा, बहुत ज़्यादा आप एक तरह से कहें कि आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे और बहुत ज़्यादा इस काम से आप जुड़ जाएंगे। तो केतु यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद से अपने पर्सनालिटी से सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम करेगा। अगर आपका मंगल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको ये ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह का काम देगा जिसमें आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट होंगे खुद को लेके, खुद की पर्सनालिटी में आप कमियाँ निकालेंगे, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके लिए अच्छी रेमेडी ये है कि आप किसी मंदिर में या तो ध्वजा दान कर सकते हैं या आप घर में कुत्ता पाल सकते हैं, कुत्तों को खाना आप दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है केतु के लिए, ये रेमेडी आप यूज कर सकते हैं। साथ में देखिए केतु है तो ये एक तरह से अगर हम कहें तो ये धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयों को छूने का समय है। तो इस प्रकार से अगर आप कोई धार्मिक कार्य करते हैं किसी भी प्रकार का, या आप धार्मिक क्षेत्र में फेमस होना चाहते हैं या इस फील्ड में बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, तो ये 18 महीने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले हैं। यहाँ पर जो केतु है, केतु एक तरह से ये आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर आपको आध्यात्मिक विचार देकर जाएगा, सोच देकर जाएगा, बहुत अच्छे विचार देगा, तो इस प्रकार से ये आपके लिए रिजल्ट रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिलते रहेंगे लगातार। आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को तुरंत देख सकें। धन्यवाद।